लखनऊ की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को 3 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। 10 फरवरी को चित्रकूट जिले स्थित डिप्टी जेलर के कमरे में पति से गैर कानूनी ढंग से मिलने के आरोप में निखत को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जेल अधीक्षक और 7 अन्य कर्मचारियों को भी लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज मुकदमों की सुनवाई कर रही अदालत के स्पेशल जज लोकेश वरुण ने निखत बानो को 3 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले के एक अन्य आरोपी उसके ड्राइवर नियाज अहमद की 5 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिमांड की अवधि शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। जांच अधिकारी हर्ष पांडे ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था। पांडे ने अपनी अर्जी में अदालत को बताया गया कि निखत और नियाज को चित्रकूट जेल परिसर से गिरफ्तार किया गया है। निखत बानो ने अपने आईफोन को लॉक कर रखा था और इसे अनलॉक करना जरूरी है ताकि जरूरी जानकारी जुटाई जा सके। बता दें कि निखत बानो के कब्जे से उसके मोबाइल फोन के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पुलिस ने निखत के पास से सऊदी अरब की करेंसी भी जब्त की थी। यह भी कहा गया कि ड्राइवर नियाज अहमद ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को नहीं सौंपा था। उस फोन को भी बरामद करना आवश्यक है ताकि इस मामले में अन्य लोगों को संलिप्तता का पता लगाया जा सके। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले 3 महीने से जेल में है। रगौली जेल थाने के प्रभारी ASI श्याम देव सिंह की शिकायत पर 5 लोगों को निखत बानो, उनके ड्राइवर नियाज अहमद, जेल अधीक्षक अशोक सागर, डिप्टी जेलर और एक सिपाही के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्य से छेड़छाड़ करने समेत कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अब्बास अंसारी को पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।